हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की नोनी पंचायत में एक बीमार वृद्ध महिला को उसकी बहुओं ने चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। बिलासपुर की नोनी पंचायत आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित है। अगर इस पंचायत में कोई बीमार हो जाता है तो उसे कंधों पर उठाकर ही अस्पताल तक पहुँचाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की नौनी पंचायत में अभी तक भी सड़क नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। हाल ही में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब गांव की एक 72 वर्षीय वृद्ध बीमार हो गई। घर पर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था, तो ऐसे में महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और वृद्ध महिला को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी पंचायत सड़क से महरूम है। स्थानीय नेता चुनाव के समय आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। मेरी सास कुर्सी पे बैठी थी और अचानक ही मतलब चक्कर से आया और गिर गई कुर्सी से, और उनकी दोनों टांगें लग रही थी। तो घर में हमारे जो मर्द थे वो कोई भी नहीं थे, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए हुए थे। तो मतलब उनसे चैलेंज जा रहा था, तो हम दोनों लेडीज़ ने और एक दो गांव से बुलाए और मंजे पे उठा के मंडीवाने तक 2 किलोमीटर तक ले गए पैदल। मतलब वहाँ पर फिर हमने मतलब सड़क ना होने के कारण हमारे को मंजे पर ले जाने पड़ा, और मर्द वहाँ पर कोई भी नहीं थे घर पर। तो हम लेडीज़ उनको उठा के ले गए और उनको उनकी ट्रीटमेंट करवाई, और ऐसे ही वापस भी हम उनको ऐसे ही लाए। तो हमारे जब किसी की डिलीवरी होती है तब भी हमारे को 2-4 दिन पहले सड़क साइड क्वार्टर लेकर रहना पड़ता है, ताकि कभी भी हमारे को जाना पड़े तो हम इतनी दूर से पैदल कैसे ले जाएंगे। तो सड़क की हमारे को इतनी दिक्कत है कि हमारे को जब वोट का टाइम आता तो सब सड़क वोट मंगने आ जाते हैं और सड़क हमारे को कोई नहीं देता है। ये जो गाँव है नौणी, ये NH से 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और इन लोगों को जो है इस गांव को सड़क सुविधा आज तक नहीं प्राप्त हुई है आज़ादी के बाद। लेकिन जब इस बुढ़िया को स्वास्थ्य लाभ के लिए ले जाने की बात थी तो महिलाओं ने खुद अपने कंधे के ऊपर उस बेचारी बुढ़िया को कंधा दिया और तब जाके NH तक लेके गए। और आज भी आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से बिलासपुर जो मुख्यालय है वो सिर्फ 6 किलोमीटर है, और 6 किलोमीटर होने के बावजूद भी ये गांव बैकवर्ल्ड उसमें जो है महसूस कर रहा है कि हम जो है एक जंगलियों की तरह अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं। यहाँ तक कि कभी बेटियों को कोई रिश्ता भी आ जाता है तो वो एक बार देखने के लिए आते हैं, दूसरी बार वो आते ही नहीं, क्योंकि रास्ते की सुविधा नहीं है। अगर इस गांव में किसी बहू बेटी की अगर डिलीवरी भी होनी है तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग किराए का क्वार्टर जो है रोड साइड पे ले लेते हैं और उसको जो है 1-2 महीने वहाँ पर रखते हैं, और जब वो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद घर लेके आते हैं। अचानक मेरी दादी कुर्सी से गिर गए, जिसके कारण उनकी टांगों में दर्द महसूस होने लगा, और मेरे घर वालों ने मुझे अचानक आवाज़ दी तो मैं देखा तो मेरी दादी ज़मीन पर गिरे थे और वो उठने में सक्षम नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हम सब घबरा गए और हमने अपनी दादी को चारपाई पर लटाने पर लटाया। और हमारे यहाँ पर सड़क ना होने की वजह से हमें बहुत ही मजबूरियों का सामना करना पड़ा, और हमने अपनी दादी को चारपाई पर लटा कर और मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी चाची ने मदद की, और गाँव से 1-2 आदमी को और बुलाया गया और हमने उनको चारपाई पर लटाकर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर NH गांव मंडी माणवा तक लेके गए। मेरी सास लक्ष्मी देवी 72 साल की है, जो आज कुर्सी से गिर गई, और हमारे सड़क के कारण हमें कोई सुविधा नहीं है, और हमारे मर्द कोई नहीं थे घर में, उसी के कारण हमें अपने आप खुद कंधा लगाना पड़ा और गांव के 2-4 आदमी लाने पड़े, और हमें सड़क की बहुत दिक्कत है, इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि हमें सड़क दी जाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।